नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, पल पल की अपडेट, जनता का मूड और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सोचती है ये भी हम आपको बता रहे हैं। बात करें इस वक्त एक गांव में जहाँ मौजूद है, यहाँ पर चौपाल पर कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए, गाँव के बुद्धिजीवी बैठे हुए, उनसे भी बात करें किस तरीके से क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी हमारे साथ मौजूद है, पहले उनकी तरफ जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, किस तरीके से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या माहौल है। देखिए, हमारा लक्ष्य है अब की बार 400 पार। ये है मामला और सुधीर जी को हमको पूरी लोकसभा से हमारा लक्ष्य है 6 लाख पार। तो ये इस लक्ष्य पे हम काम कर रहे हैं और जो 10 साल से मोदी सरकार ने जो काम किए तो सबके सामने ही है, ये जो भी काम किए सबकी पारदर्शिता है। बहुत बड़ी योजना नल जल पूरे भारत में है और ये सिंचाई योजना भी अभी राज्य सरकार की है, यह सिंचाई उद्यम में योजना चल रही है, बहुत ही बड़ी योजना है जो हर किसान को खेत तक पानी मिलेगा, हर घर को नल जल मिलेगा, शुद्ध पेयजल मिलेगा। और ये 10 साल का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा मोदी जी का और बहुत ही भारी बहुमत से सुधीर जी को जिताना है, जीतेंगे और फिर से मोदी सरकार बनेगी। बड़ा कारण क्या मानते हैं, क्या हकीम किसानों की बात सुनी जाती है, क्या किसानों की बात सुनी जाती है, क्या रोजगार को लेकर कोई बड़ा काम हुआ, क्या मानते हैं आप? देखो, रोजगार तो मिल ही रहे हैं और अफीम किसानों के लिए जो भाजपा सरकार ने जो किया है कोई शायद ही किसी ने किया होगा। अफीम जो नए पट्टे दिलाना है, बहुत सारे पट्टे मिले और इस बार भी सांसद जी 45,000 के करीब नए पट्टे जारी करने वाले हैं। ऐसा कोई कोई भाव की कमी है, मतलब अफीम जो रेट है वो कहीं ना कहीं कम है, जैसे सबका कहना है और हम भी जानते हैं कि कम है, वास्तव में रेट बहुत कम है और CPS के डोड़े को भी रेट बहुत कम है। जो सांसद जी जब भी अपील करने जाते हैं कि कभी हो सकते हैं बढ़ाए जाएंगे और बहुत अच्छा, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बात कही है कि भाव बढ़ाया जाए, साथ ही मेरे सहयोगी कहूँगा कि भाऊ जी कह रहे हैं, भाऊ जी अफीम पॉलिसी ने इनका ही कहा कि भाव कही है, जिस तरह के भाव नहीं मिल रहे, अफीम का भाव नहीं मिल रहा है, डोरा चूरा खरीदी नहीं हुए, किसान भारी परेशान हुए अफीम को। हाँ, वो तो है नहीं, जैसे अफीम 2025 रुपये क्विंटल गेहूँ है आज का जमाना में, और अफीम को कई भाव है, 800 रुपये के लगे 1500 रुपये, लेकिन सरकार की नीति है क्या 600 रुपये लुआ सिरावारो ले ना 800 रुपये किलो अम्बल बेके, अब कई वाले कई मल मैंने कई कमाई रहा, खाली सरकार ने पॉलिसी बनाई दी कि अफीम नया पट्टा दे दिया, 200 रुपये किला में CPS का डोड़ा ले रहा, 70 किलो ले लिया, तो कोई कसाना मांग रहे हवा कुंटल 1.5 कुंटल सौतरा नहीं निकले, इक्कीस 70, 60, 65, 75, 75, बाकी 200 रुपये कुंटल की 200 रुपये किला दी अगर लेगा तो कसान का कहीं मसीजा 40 किलो दाना निकल 10 हजारी में थी, खर्चों का दोनों आगे खर्चों लागे कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मिनिमम मान जाओ, दान क्या मजूरिया निर्णा कोरोना दवाई दारू 70 रुपये किला दी रही ने 14,000 वाला दीदा 60-70 किलो दाना भैया 1,000 रुपये किला दी करो 60-70 हजार रुपया भैया तो ही ऊपर दे के। तो बीजेपी तो कह रही है कि बोले पट्टा बढ़ाया है, पट्टा बढ़ाया ऐसे नहीं होगा, कई क्या CPS 0 बट्टा सन्नाटा, अच्छा 0 बट्टा सन्नाटा और पट्टा बढ़ा किया 50,000 पट्टा बढ़ा, अरे 1 लाख पट्टा बढ़ा और बढ़िया किसान फायदा मिलेगा, अरे बात नाराज थोड़ी है, पढ़ाओ के इनके भाव में संशोधन में सोचिएगा। एक बार 8829 की धारा भी है, धारा ने जबरदस्ती फंसा है, वन भी नाराज किए भाव है कौन दी, मान लो जो पकड़ाना हो सो रहे गए दूसरा से कई मतलब है भाई, आप पर अगर माल बरामद हो तो आप सोने मार पर पकड़ा हो तो बाकी तीसरा लमडो लगा क्या जरूरत है, 8 उन्तीस तो खत्म करने सही जाना। बड़ी बात कही है अफीम किसानों ने, साथ कई कहा आपका ही कहोगा आपके बार कौन बीजेपी कांग्रेस कौन? बीजेपी। कारण? कारण आवेगा आवाज आवेगा और कहीं सर मैं बताऊं, कारण ये है सर कि जब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार बन रहा है, गांव में 10 साल हो गए फिर अपने सुधीर गुप्ता जी कभी भी गांव में नहीं आए, दूसरी बात ये कि अफीम किसान की जो बात करते हैं कभी भी किसानों के समर्थन में सुधीर गुप्ता नहीं बोले, और रही बात ये कि अभी जो अपनी तारीख बनी है तो कांग्रेस के नेताओं ने बनाई है, कभी भी सुधीर गुप्ता किसान गरीब वर्ग के मजदूर में कभी भी नहीं बोले, और मेरा ये कहना है कि सुधीर गुप्ता ने जो टैंकर दिए आज वो 5 साल पहले क्यों नहीं दी, जब शुरुआत अपने वो सांसद बने थे उस समय उन्होंने टैंकर दिए थे और आज दिए, बीच में क्यों नहीं दिए, बीच में गांव गांव क्यों नहीं गए हो, आज गांव गांव जा रहे गली गली जा रहे, मेरा ये कहना है सुधीर गुप्ता अगर गांव के एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हो तो मैं मानता हूँ कि उनको वोट मिले,
वो एक एक व्यक्ति को भी नाम से नहीं जानते हैं, सुधीर गुप्ता। और भाजपा ने हमेशा भ्रष्टाचार किया है। मुद्दों की बात करें, क्या मानते हैं चुनाव में क्या बड़े मुद्दे हैं? भाजपा ने कभी भी मुद्दे की बात नहीं करी। भाजपा ने हमेशा बात करी तो माफिया और माफिया हितैषी की बात करी है, किसान हितैषी की बात नहीं करी कभी भी। क्या इस गांव में क्या विकास हुआ, क्या बड़ी बात है? मैंने अभी तक देखा, दो बार टैंकर आए हैं, एक बार शुरू बार जब संसद बने थे उस समय टैंकर आया, तीसरी बार जब अभी आए हैं अभी टैंकर दिया है, और मैंने विकास नहीं देखा है। सांसद सुधीर गुप्ता विकास नहीं देखा है। मैं वित्त मंत्री जी की बात कर सकता हूँ, उन्होंने जो विकास दिया है वो किसी वित्त मंत्री ने नहीं दिया है, लेकिन सुधीर गुप्ता ने कोई विकास नहीं दिया है। बड़ी बात कही है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को लेकर, जिस तरीके से पूछे साथी, अगर बात करें बाबूजी, एक लंबी उम्र आपकी हुई, कई होगा बीजेपी या कांग्रेस? मैं का पार्टी की काम में धान का भाव मिलना चाहिए, पार्टी में की काम धान मैं धान का भाव मिल जाए, मैं करसान हो रहा इधर। अब कट्टा खाद को कट्टो कई भाव है, मैं के गेहूं का कई भाव है, कांदो लहसुन कई भाव है, मैं करसान ने भाव मिलना चाहिए। टाइम तो बस छोड़ के मैं कैसे करूं, बोले पार्टी कैसी हूँ, पार्टी में कई काम विकास साहब है बस, मतलब पार्टी कैसी भी है, खाली किसान की बात नहीं चाह रहा आपको, ये कहना मैं कद यो है, मैं के करसान कद यो सही, मैं के पार्टी की काम पार्टी बोले कारो सोर वो मैं कई काम, मैं कहते विधान का भाव मानना सही है, जैसे अमल अफीम की बात रही थी, अफीम का भाव मानना सही है, मन में लागत कति लाग गिरी वह भी लेनी सही है, खाली करसान मलिक का बकरा बनाई दिया बापड़ा ने नेता ने, क्या करसान अंदाता का अंदाता बापड़ा, करसान तो फुटी अन्नी में खाई थी तो सेठ बहन खाई जा फुटलाप सर जा, करसान बलि का बकरा बनाई दिया खाली मलिक। अरे मोदी जी ने गांव में आ रहा बात तो करा, बड़ी बात कही है, किसान बड़ा परेशान है लगातार, हम भी कहते हैं कि किसानों को बड़ी परेशानी थी, खासकर अगर बात करें तो अफीम किसानों की बात करें या फिर सामान्य किसानों की बात करें, तो हम एक बात बड़ी ये बार बार कहते हैं कि जब वो किसान की फसल जब खेत में होती है तो उसके भाव आसमान में होते हैं, लेकिन जब वो फसल जब मंडी जाती है तो उसके दाम गिर जाते हैं। ये बिचौलिया खेल जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल है, इसको भी सरकार को उजागर करना चाहिए ताकि किसानों को सही दाम मिले। क्या कहेंगे आप, किस तरह के हालात अभी है? देखो हालात तो सर ऐसे ही है, उत्पादन भी काफी हो रहा है, सरकार की नीतियां भी अच्छी है, देश हित के काम भी हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आओ आप बोलो, मुँह बोलियो बस मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप करो। ऐसा नहीं है, सरकार को एक थोड़ा एमएसपी पे ध्यान देना चाहिए कि निर्धारित भाव मिले, बस सीधी सी बात है, हमारे आय का खर्च मतलब आय व्यय का मतलब हमारा स्थिर ये नहीं है कि जितने हम खर्च करेंगे इतना हमें मिलेगा, ये सीधी बात, किसान इसलिए घाटे में जाता है, एक तो जो रासायनिक दवाएं ये जो मिल रही हैं ये बहुत महंगी हो गई, सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि वास्तविकता में इसका क्या रेट है, दुकानदार मन माफी रेट ले लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा किसान इसलिए भी घाटे में है, और थोड़ी अपनी जल नल की जो चलेगी योजना तो इससे भी थोड़ा विकास होगा किसानों का, और थोड़ी एक समस्या ये है किसानों के लिए कि नील गायें आधा उत्पादन तो हमारी ये खत्म कर देती है, अच्छा हम क्या कमाएं उसको, तो अभी तक इस पे भी ऐसा कुछ न कुछ नियम बनना चाहिए कि नील गायें को या तो आप खुद इसको इसका कुछ निपटारा करें या फिर हमको हमारे ऊपर इसका ये दे कि आप खुद इसको ये करें। बड़ी बात कही है, जिसको रोजड़े कहते हैं आम बात में, तो वो नील गाय को लेकर किसानों को बड़ी परेशानी, क्योंकि वो अधिकतर देखा जाता है कि जिस तरीके से वो उत्पाद में जाती है, जिस तरीके खेतों में जाती है, तो फसल चौपट हो जाती है। क्या कहें, किस तरीके से परेशानी किसानों को आती है, क्या मुद्दा इस बार है, किसान इस बार क्या सोच के बैठा है, बीजेपी कांग्रेस कौन? किसान ये सोच के बैठा है कि हमारे अच्छी व्यवस्था है, रोजड़े को पकड़ के ले जाए कहीं, मारने के हुक्म दे दे तो हम मार दें उसको, हमारे ऊपर छोड़ देने या कोई नहीं था कहीं भी करे काम, और सरकार अच्छी है। भाव वाव उससे खुश हो? बिल्कुल, गेहूं की बात करा तो या फिर तो कम में भाव भी रहना चाहिए, अच्छा फसल में खर्चा लग रहा है, खेती में तो भाव भी मिलना चाहिए। पहला का जमाना में और अबाना का जमाना में कतो फर्क मानो आप? फर्क तो है ना सब, फर्क है, खर्चो ज्यादा पड़ी हो किसान, खर्चो भी है तो भाव कम मिल रही हो, खर्चो तो है। कई कहोगा भाव जी आप, कई स्थिति है किसाना की, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ही नारा भारतीय जनता पार्टी की। बड़ी बात कही है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा, काका जी की लंबी उम्र हो चुकी है, काका जी कितनी उम्र है? मैं जो है 55। आपने कई पीढ़ियां देखी है, गांव देखो, एक उम्र आपकी निकल रही है, तो कई मानो कतरो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो, 70 साल कांग्रेस रही, तो आप विकास तो काफी है, विकास के तौर में कोई कहने की जरूरत नहीं है, ये जो भी है विकास तो सरकार ने बीजेपी ने किया है, अच्छा कांग्रेस का यहाँ कोई नहीं है। बाकी जो सवाल ये होगी, रोजड़ा रोजड़ा ने एक समय पर जो हमारा करसाना पर मार है तो हमारा भाव नहीं बन गया,
यह दिक्कत है करसाना और करसाना में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और तो बढ़िया है सब बढ़िया। सबकी बार के 400 पार के 400 की माइनस 400 अच्छा बड़ी बात कही है। क्या कहेगा बाबू जी, आपकी भी लंबी उम्र सापो वापो है, आपने भी कई पीढ़ियां देखी है कई। नहीं तो कोई भी तो भी कई माहौल मानो बीजेपी माहौल सरकार में सब बढ़िया है। बढ़िया सब बातें अच्छे हुए बढ़िया है सब बातें छाता में भाव और आपने एक मांग रोजड़ा गुण बंद हुई हालांकि सरकार कार्रवाई करे तो एक नंबर काम। हाँ गेहूँ खाइए मांग हाँ बढ़िया मांग भैया परेशानी क्या कहेंगे आप किस तरह परेशानी। हम बहुत रोल रहे थे बहुत परेशान है बहुत परेशान है हमारे फसल होने दिया हमारे दूध कमी है बाकी बाकी अगर फसलों के भाव उससे तो भाव भी चाहिए भाव भी कमी है तो भाव किस तरह आगा सरकार ने बताओ। हमारा माल आता है भाव गिर जाता है और बीजेपी सही है पर भाव गिर जाता है गिरा देता है। बड़ी बात कही है जिस तरीके से हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं चौपालों पे जाकर चर्चा कर रहे हैं ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं किस तरह की स्थिति इस चुनाव में बन रही है क्या बड़े मुद्दे हैं क्योंकि किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है कि लगातार किसानों को लेकर बात की जा रही है लगातार व्यवस्था की जा रही है किसानों की बात सुनी जा रही है फसलों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं एमएसपी की बात की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार चौपाल पे हम बात कर रहे थे जिस तरीके से अभी एक और आ जाए क्या कहेंगे क्या माहौल है बीजेपी कांग्रेस क्या स्थिति मानते आप। वो अभी तो देखो हमारे जिले में तो कांग्रेस ही जीतेगी। अच्छा क्या कारण क्या मानते हैं। कारण तो ये है कि देखो किसानों की मोदी जी ने कहा था कि 22 में दो गुनी आय कर देंगे तो दो गुनी तो नहीं हुई पर वो घट के आधी हो गई है ना। मजदूरी में बहुत महंगी हो गई डीजल पेट्रोल के भाव मतलब किसान बहुत परेशान है तो इसलिए अभी हमने मूड बनाया ऐसा कि अब की बार कांग्रेस को ही वोट करेंगे पलटा। अच्छा और बीजेपी तो कह रही हमने किसानों के लिए गंगा बहा दी क्या मांगे थे ना कि नहीं चंबल भी कह रही है चंबल को पानी ले रहा है कि तो क्या खेत खेत में पानी लगा तो पानी का वो पानी को क्या पानी के पीपी के क्या मरेंगे क्या उसमें डुबकी लगाएंगे क्या। एक वो हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हिंदू राष्ट्र बना रहा किसान वैसे आत्महत्या कर रहे हैं है ना वो और वो पानी आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी आत्महत्या करने में यूं। नहीं एक बीजेपी कह रही है कि 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या मानते हैं आपके एक अलग बड़ा रूप देखने को मिलेगा। बड़ा रूप देखने को तो मेरे को तो कोई दिख नहीं रहा है क्या पता नहीं आगे ये तो 24 तो खत्म होने वाला है। देखा आपने अपने मन के वोटर जो है कहीं ना कहीं मन में एक बात लेकर बैठे हुए इस बार परिवर्तन की बात कुछ की जा रही है साथ ही किसानों को लेकर बात की जा रही है साथ ही जो लगातार अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चौपाल पर क्या चर्चा ग्रामीणों की होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर है कांग्रेस के भी वोटर है समर्थक भी है और वो अपने मन की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आए। मेरे सहयोगी विनोद के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।